ये बहुत जो टेंशन भी जैसा संग यादरी Hi, hello. Good evening, sir. Ji. Boliye. जरूर 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 आई थिंक मेरे हिसाब से फर्क नहीं पड़ता आप टेलीविजन में काम करते हैं फिल्में कर रहे हैं आई थिंक हर एक इंसान को इस ये जो कैंपेन चल रहा है जो यूएन ने शुरू किया था ही फिशी जो लक्स यहाँ लेकर आया है बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन है स्पेशली इस दौरान जो इंडिया में मूवमेंट चल रहा है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप किसी भी इंडस्ट्री से हो कहीं भी काम करें आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैन एंड बॉयज़ टू स्टेप अप एंड बी एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस कैंपेन क्योंकि ये सिर्फ आई डोंट थिंक इट्स अ फेमिनिस्ट इशू इट्स अबाउट मैन एंड वुमेन बोथ इट्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस तो आई थिंक कि इट्स माई ग्रेट गुड फॉर्च्यून कि मैं आज यहाँ आ पाया हूँ and be part of this celebration. Jitna mujhe pata hai, I am of course going to be cheering all of them, but I'm also awarding a award category hai. To uske liye main aaj yahan par hoon. Look is Indian. Diwali abhi abhi gayi hai, so I've still not gotten out of it. It'll take me another month to get into Christmas. So I just felt Indian and I felt आज का जो अनलाइक यूजुअल अवार्ड फंक्शंस आज की जो अवार्ड फंक्शन है जो इवेंट है इट्स अ लॉट मोर इट्स आई थिंक अ लॉट मोर मीनिंगफुल इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंग्रेचुलेटिंग द बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस इट मीन्स अ लॉट मोर आई थिंक इन सोसाइटी सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस स्पेशली मैन बिकम एन इंटेग्रल वॉइस और महत्वपूर्ण आई थिंक सिर्फ यहाँ आना इंपॉर्टेंट नहीं है आई थिंक यहाँ से बाहर जाकर बातचीत करना अपने परिवार से अपने दोस्तों से and have this dialogue about he for she and about gender equality and equal opportunities to mere liye bahut hi important aur dil ke kareeb wala issue hai ji ji agar aapne kisi television actor ka career follow kiya hoga aap jante hain waqt bilkul nahi hota hai to aap aksar apna khud ka kaam nahi dekh pate hain jo ki mujhe yaad nahi maine apna show last kab dekha tha so it's very difficult but I of course keep track of न्यूज़ वाया ट्विटर वाया सोशल मीडिया तो थोड़ा बहुत पता है पर देख नहीं पाया हूँ मैं ना ही मैंने वो एपिसोड देखा है पर आई थिंक आई रिमेंबर रीडिंग टीजेज आर्टिकल जो उन्होंने लिखा था आई थिंक बहुत ही पोलाइट बहुत ही ग्रेशियस आर्टिकल था एंड आई थिंक एवरी मैन और वुमन शुड हैव फुल फ्रीडम to say what they feel and I think it's we live in a democracy right to unhone jo kaha bahut respect ke sath kaha and I think there was nothing wrong with it but I have no context to it I haven't seen the episode so yeah there have been a lot it's difficult to pinpoint ki ek sabse inspiring kaun thi I think all my teachers school mein college mein meri maa obviously more than anybody else because she continues to I think हम लोग जब बड़े होते हैं अपने सेल्फिश रीजंस के लिए काम करते हैं पर अब आज भी जब मुझे अवार्ड मिलता है या वाहवाही मिलती है आई थिंक शी रियली इन्जॉयज़ इट एंड यू नो फॉर हर इट इज़ हर पर्सनल विक्ट्री तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो आई डोंट थिंक मैं शायद आज यहाँ होता उनके बाद देर आर लॉस सो मैनी ऑफ देम ऑल द को एक्टर्स आई वर्क विथ एवरी डे माई वाइफ आई थिंक बहुत बड़ा सहयोग रहा है उनका मेरे करियर में मेरी जिंदगी में तो टू मेनी एग्जांपल्स एंड रोल मॉडल्स आई हैव जी माय मदर आई थिंक एनी चाइल्ड ग्रोज अप यू नो एडमायरिंग एंड बीइंग इन ऑफ द मदर जब आप बहुत छोटे होते हो तो आपसे कोई पूछता है आप शादी करोगे तो आप अपनी माँ का नाम पहले लेते हो आई थिंक सो शी इज़ माय शी विल ऑलवेज बी द टाइमलेस ब्यूटी फॉर मी
जी राइट 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 आई थिंक मैं इसमें बिल्कुल क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा. आई थिंक सारा क्रेडिट जाता है जिस मीडियम में मैं काम करता हूँ. टेलीविजन इतना लोकप्रिय मीडियम है, इतने लोग देखते हैं इससे, इतने लोग जुड़े हुए हैं इससे, दैट एवरी वन वॉन्ट्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अ टेलीविजन स्टार एक्टर. सो देर इज नो क्रेडिट टू मी, इट्स क्रेडिट टू द इंडस्ट्री आई वर्क इन. थैंक यू sort of just means everything. It's the yin yang, it's the balance in life, and I don't think one can do without the other in all meanings. So yeah, he for she, like for example in the films it's always he for she, you know, like, it's always about each other. nahi perform nahi kar raha sir, khali dekhne aaya hu, award present karne aaya hu. As always, he's one of the best hosts, so you know, I'm expecting a great show. Yaar, mujhe koi idea nahi. Mummy ne banaye, bas, so I don't really know. Okay. But I think it was pretty silly, you know, of people who think of it as trolling. I mean, she was just doing a brand post, and I think because her social media is so powerful that, you know, it always draws attention no matter what she posts. So, yeah. Obviously my mother. Yeah. My grandmother. Good evening. Hi. I think kiya ja raha hai in regards to the Me Too movement. I think a lot has been said already. So well, I think just talking about it, raise awareness about it, you know, it's quite apparent. Aur baki to kafi log baat cheet already kar rahe hai iske bare mein, is topic ke bare mein, and I think काफ़ी लोगों ने एड्रेस भी किया है इसको. आई थिंक क्या इट डेफिनेटली हैज़ द अवेयरनेस. ओह यस, कंग्रेचुलेशंस रणवीर दीपिका, एंड विश यू द हैप्पीएस्ट लाइफ अहेड.
Congratulations, Priyanka and Nick. I wish you guys the happiest life ahead. Well, firstly, I think Ranveer's reception is on the 2nd, so I'll probably be attending that. Is it in Bangalore or in Bombay? I think it's in Bombay, right? Yeah. Am I? No, I think I'll be shooting, so I won't be able to make it, unfortunately. No, I've not thought of marriage yet. I have a long way to go. Yeah, thank you. लगता है काफ़ी एंटरटेनिंग होने वाली है आज की शाम. पहली बार मैं लक्स गोल्डन रोज अवार्ड का पार्ट बन रही हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. देखना है काफ़ी कुछ क्या क्या होता है और कैसे होता है. लेट्स सी. मैंने डॉली जे का पहना है गाउन एंड इट इज़ वेरी प्रिटी. द कलर इट सेल्फ इज़ वेरी प्रिटी. मुझे लगता है लक्स गोल्डन रोज अवार्ड के लिए आई लुक लाइक द सोप इट सेल्फ. तो Yeah, that's what I would want to say about the dress. जी नहीं, अपकमिंग फिल्म का लुक नहीं है. फिल्म से इसका कुछ लेना देना नहीं है. जस्ट मुझे लगा कि हमेशा आई गो विद ओपन हेयर, सो दिस टाइम आई शुड ट्राई इट समथिंग एल्स. या हाय. For me, it's Madhuri ma'am. I am a huge fan of hers and I've seen all her pictures and I think she's जब जिनको कहते हैं हम शुरू से देखा जा रहा है वो खूबसूरत होती जा रही है टाइम के साथ साथ. पहले जितनी खूबसूरत थी आज अगर देखो तो वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं. तो फॉर मी इट्स माधुरी मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Yeah.
कौन? गुड इवनिंग। हाँ जी, हम बहुत खुश हुए। देखिए आज लक्स ये अवार्ड जो है इसको रिसीव करने के लिए आए हैं। ये मैं इतने कहूँगी कि एक ज़माने में जब ऐड वगैरह कुछ नहीं होता था उस वक्त दिस वाज ओनली वन, और इसमें जो ब्यूटीफुल वेमेन जो थे उनको वो ऐड में लिया जाता था, तो उसका परिणाम यह है कि आज हम लोगों का अवार्ड मिल रहा है। सर इज अलॉन्ग विथ सो मेनी अदर ब्यूटिफुल आर्टिस्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री आई एम ऑल्सो रिसीविंग इट, सो आई फील वेरी ऑनर्ड एंड हैप्पी अबाउट इट। हाँ वो उसके अनुसार पहन के आई हूँ, तो मुझे लगा कि गोल्डन पेटल अवार्ड्स, तो मेरा नाम भी इसके साथ जुड़ा है क्योंकि हेमा मालिनी इज़ ऑल्सो अबाउट गोल्डन हार, तो मेरा ड्रेस भी वैसे ही है, मेरा पर्स भी दे, हमारा दिल भी गोल्ड है। मतलब ब्यूटीफुल वुमन, विशेष विचित्र बात किसने की? पुरुष, पुरुष सब सब पुरुष बहुत अच्छा ही बोलेंगे ना, दे विल ऑलवेज से समथिंग नाइस फॉर वुमेन, नोबडी विल से एनीथिंग बैड। मेरे साथ तो बहुत अच्छा ही व्यवहार हुआ है आज तक, सो बहुत ही अच्छा ही है, सो ऑल द मेन हैव बीन वेरी एक्सट्रीमली नाइस एंड काइंड एंड वेरी वंडरफुल, दैट्स इट। हम उसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं, आज का ये माहौल कुछ और है, तो लेट अस एंजॉय दिस। How are you? Good evening. He for she. I think what comes to my mind is you should always be there for a woman, and you should you are the savior, like you should always rescue this and that. You always stand up for that. And firstly, I'm very excited that Kareena ma'am is performing. And that's it. I'm really excited about the awards. My mom, always. Because everybody's mom is always inspired. Because you have a mother who understands everything. That is the connection we care for. And that is the one thing which I love. No,
I don't know to comment about that. Thank you so much. Respect this moment. He for she, he for she. Yeah, actually today we decided. Yeah, कभी हम करते नहीं हैं लेकिन आज किया. I am just excited to see the awards and to see all the performances, and also I'm presenting an award, so I'm very excited. Sorry. इनकी तारीफ मैं क्या तारीफ करूँ, वो कम है. She's looking so pretty. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry. Good evening, everyone. मैं बहुत excited हूँ यहाँ पे आकर, and Lux Golden Rose Awards एक one of its kind award है जहाँ पे you honor the most talented women of our industry, and I'm really looking forward to the show. Sorry? सारा अली खान क्या? आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, बट ऑल आई कैन से इज शी इज वेरी प्रिटी एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हर फिल्म. नहीं, डेट के लिए कहाँ बोला हमने? अच्छा, यू वांट्स टू, हाँ मतलब मैं कॉफी पीना चाहूँगा जी. थैंक यू. नो, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट राइट नाउ, तो अभी लेट्स सी. नो टू व्हाट? ऑन कमिंग दैट नेवर हैपेंड. या वो अपने आप कुछ रूमर आई थी, एंड ऐसी कोई वो आई मीन इट्स बेटर नॉट टू कॉमेंट ऑन. आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव यार. आई मीन स्टैंडिंग अप फॉर वुमेन इज समथिंग विच इज रियली गुड, एंड ही फॉर शी, इट्स नॉट जस्ट शी फॉर शी, सो इट्स ऑल्सो ही फॉर शी, एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट, एंड आई एम रियली रियली हैप्पी दैट समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग. लुका छुपी जी, लुका छुपी की शूट खत्म हो चुकी है, और ये नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में रिलीज होगी, तो इसका बस
सारा शूट हमने स्मॉल टाउन मतलब मथुरा में ग्वालियर में शूट मेरे होम टाउन में पहली बार मैं शूट कर रहा था एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिलीज ऑफ द फिल्म. थैंक यू गाइस. थैंक यू जी. जी जी ओके ओके सर. थैंक यू. Hiposhi initiative, and tonight we are all together to support and celebrate all those independent, beautiful, strong women of our industry. And for me, in my opinion, Kareena Kapoor Khan is an inspiration. She brought a change and she got married and she's working and she's an inspiration for all of us. Rekha ji. She's coming. I'm looking forward to Rekha. Thank you so much. Well, you'll get to know soon. आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा? बताना. Thank you. Sure. Okay, well.